लोक साहित्य मंच लुधियाना की ओर से हिंदी उपन्यासों में लोकतंत्र और मित्र सेन मीत के उपन्यास विषय पर संवाद रचाया गया। मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर मनेजर पांडे थे। चर्चा की शुरुआत प्रोफेसर विनोद शाही की ओर से की गई। तो मैं चंडीगढ़ से आए श्री आत्माराम जी से गुजारिश करता हूं कि वे मंच पर आए और मित्र सैन मीत जी के उपन्यासों पर अपनी टिप्पणी करें। आत्माराम जनाब सदर और खवातीन हजरात, पिछले कई घंटों से सुनने की हमारी ताकत धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जा रही है। मसला इतना इंटरेस्टिंग है कि सुनने की ताकत कभी कमज़ोर होती तो कभी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि मामला अगर इश्क विश्क का होता तो सिमटे तो दिले आशिक और फैले तो ज़माना है। चूँकि मसला स्टेट का है इसलिए वो ज़माने को कवर कर लेता है, इसलिए सुनने की ताकत कमज़ोर होने के बावजूद हिलाए तस्की नहीं और आस बहुत है, ये वाला मसला है। मैंने बाकायदा 3 उपन्यास पढ़े हैं और बाकायदा पढ़े हैं बाद बांग्लाइज़म। और कुछ सालों पहले जब सुधार घर पंजाबी में आया और उसका जब चंडीगढ़ में गोष्ठी हुई तो मैं भी वहाँ कुछ बातें मैंने कही थी, और उसके बाद कुछ चीज़ें मैंने पंजाबी में पढ़ी और बाद में हिंदी में। रस्मी तौर पर मैं इस तर्जुमे से बहुत खुश हूँ, बेहद खुश हूँ, और हमको बहुत सारे तर्जुमे पढ़ने की आदत रही और ज़रूरत भी है, इसलिए सबसे पहले तो तर्जुमाकार का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। दूसरा मसला ये है कि चूँकि जो लोग इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं उन्हीं को ये चीज़ें बाकायदा पढ़नी चाहिए। इसके लिए विकास रॉय का धन्यवाद देना चाहिए कि ये पुलिस महकमे के उन लोगों को पढ़ाना चाहते हैं कि देखो ये ठीक ठीक वही तो है जो तुम करते रहे हो, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो किया जा सकता है। अब मैं कुछ मुद्दों पर बात करूँगा। दरअसल ये कोई कहानी नहीं है, ये जो उपन्यास एक रेटोरिक कहानी की तरह चलता है जो कि हमारी आदत बनी है, ऐसा नहीं है। कहानी किसी बात को कहने का जरिया इस्तेमाल किया गया है, गोया कि बात जो कहनी है कि स्टेट फंक्शन कैसे करता है उसको कहने के लिए एक कहानी की जरूरत पड़ी। क्योंकि अगर दृष्टांत नहीं हो तो बात बनती नहीं है, इसलिए दृष्टांत का होना किसी बात के होने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि बात है तो दृष्टांत की जरूरत है। कभी कभी दृष्टांत और बात दोनों एक ही हो जाती है, लेकिन मीत के यहाँ ऐसा नहीं है। मीत के यहाँ बात को कहने के लिए कहानी का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए होता ही है कि जब भी एक नया किरदार सामने आता तो उसकी एक कथा शुरू होती है, वो पूरी मूल स्ट्रक्चर से जाकर जुड़ जाती है। ऐसा लगता है कि एक बड़ी नदी चल रही है जिसके थाउजेंड एंड मिलियंस ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन फिर आकर वो उसमें मिल जाती है। दैट इज द स्टेट अपरेटस, जिसे हम लोग स्टेट अपरेटस कहते हैं। सुबह से जितनी जिरह यहाँ हुई है और जितना भी तबादला ख्याल हो रहा है उसमें एक चीज़ वाजे तौर पर शायद कहनी रह गई, बुला दी गई शब्द ठीक नहीं है। राज्य की ज़रूरत क्या है, एक बुर्जुआ स्टेट फंक्शन कैसे कर सकती है, उसकी ज़रूरत है इस उपन्यास में दिखाया गया तमाम ताना बाना। ये कोई अलग से ठूसी हुई कोई चीज़ नहीं है। पुलिस जिस ढंग से काम कर रही है कोई अलग से ठूसा हुआ नहीं, राज्य के काम करने के तरीके का एक इनएविटेबल पार्ट है। अब सवाल है कि इस इनएविटेबल पार्ट में कुछ लूप होल्स हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इनबिल्ट कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द स्टेट फंक्शनेबिलिटी। ये इनबिल्ट कॉन्ट्रडिक्शन का इस्तेमाल संघर्ष समिति करती है, और संघर्ष समिति की तस्करा शायद जिक्र बहुत कम हुआ है। कॉन्ट्रडिक्शंस को से डिसइल्यूजन होते हैं लोग, क्योंकि अमूमन एक भावुकता है जो राज्य से उम्मीद करती है कि शायद कोई न्याय मेरे पक्ष में होगा। और मैं कह रहा था अभी पुरी साहब को, एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है जो हमें राज्य के प्रति आश्वस्त करता है, और फॉल्स कॉन्शियसनेस की एक लंबी तारीख है।
ये लंबी तारीख है, जरा आप देखिएगा कि हन्ने माने शरीरे, ये एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है कि शरीर मरता है आत्मा नहीं मरती, और जब शरीर मरता और आत्मा नहीं मरती तो है अर्जुन तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मरोगे तो स्वर्ग जाओगे और जीतोगे तो राज्य मिलेगा, और तुम तो हो ही कौन, जब निर्धारक मैं ही हूं तो तुम सिर्फ शरीरों को मारते जाओ, आत्माएं नहीं मरेगी। गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि गीता में कृष्ण ने अर्जुन को लोगों को मारने का टिक्का प्रमाण पत्र दे दिया कि ऑल राइट टू किल द पीपल विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस होल्डिंग दैट। तब आप ये देखेंगे कि एक आदमी का दिमाग स्वतः काम करने से नाकारा हो जाए और जिस जो लोग उसे काम करवा रहे हैं उसके बारे में वो नावाकिफ है, मैं जुमला बोल रहा हूं, एक आदमी खुद चिंतन से नाकारा कर दिया जाए और जिसकी बिना पर वो काम कर रहा है उस ताकत को वो पहचानता नहीं है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि मित्र सैन मीत के करेक्टर लगभग इसी तरह काम कर रहे हैं। They really don't know what they want to do exactly, and they really don't know what they are doing. हैरानी की बात है कि जस्टिस पेरोल पर है, कॉन्स्टेबल पेरोल पर है, वकील पेरोल पर है, मुख्यमंत्री एक स्टेट का काम करता है और लगातार एक दूसरे पर आत्मनिर्भर है, और उनकी आत्मनिर्भरता उनके पूरे वजूद के लिए निहायत जरूरी है। अगर आप ये सोचते हैं उसका वजूद सोशल कंसर्न से जुड़ा हुआ है, इट इज अ फूलनेस। नो, उनका वजूद उस पूरे एपरेटस में अपनी शख्सियत को बनाए रखने से जुड़ा हुआ है। इसलिए जिस संवेदनशीलता की बात कर रहे थे राय साहब भी कर रहे थे और राय साहब भी कर रहे थे, ये संवेदनशीलता अगर न मर जाए तो पुलिस विभाग एक दिन काम करना नहीं कर सकती ठीक से। संवेदनशीलता को बिना खत्म किए आप स्टेट एपरेटस में फिट नहीं हो सकते। और मैं आपको एक बहुत बढ़िया मुकदमे का जिक्र कर रहा हूं, द इंपीचमेंट ऑफ वॉरिंग हेस्टिंग्स, दुनिया का सबसे अहम मुकदमा है वॉरिंग हेस्टिंग्स का, जिसमें किया जा रहा है कि क्लाइव हर चीज से दुरुस्त है कि वो स्टेट उसे अप्रूव करती है कि ये क्लाइव है बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वॉरिंग हेस्टिंग्स का। इसलिए ये उपन्यास मेरे निगाह से बेस कीमती जानकारियां और हद दर्जे के फैक्ट देने के बावजूद राज्य काम किस तरह करता है इसको समझने का सबसे बढ़िया जरिया हो सकता है। अगर जो कोई बंदा समझना चाहता है कि स्टेट कैसे फंक्शन करती है तो उस सबसे कमजोर प्यादे को समझने की कोशिश करो, जहां से स्टेट शुरू होती है और वो जनता के बीच में जैसे मछली पानी की तरह घूमता है, एंड दैट इज द पुलिस। अगर चे पुलिस संवेदनशील हो जाए तो जरा कल्पना कीजिए कि पुलिस संवेदनशील है और वो मानवीय है और उसमें करुणा भी है और प्रज्ञा भी है, तो पुलिस से एक चीज शुरू होती है और वो ऊपर तक जाती है जो इलेक्टेड है और पुलिस अपॉइंटेड है। एक नया कॉन्ट्रडिक्शन समझिए, कुछ इलेक्टेड लोग होते हैं, कुछ सेलेक्टेड लोग होते हैं। स्टेट मशीनरी कैन ओनली ऑपरेट विद सेलेक्टेड पीपल, इट कैन बी गवर्न्ड बाय इलेक्टेड पीपल, एंड दैट इज अ डेमोक्रेसी। एक ऐसा लफ्ज है जो अमीबा की तरह हर बार डिफाइन किया गया है और हर बार अनडिफाइंड रह गया है, वो है डेमोक्रेसी। इसलिए एकेडमिया के लोग बहुत परेशान है कि आखिर इस मीत का करें क्या, क्या करें भाई इस मीत का, मीत उपन्यास के किस ढांचे में फिट होते हैं। तब हम ये कहते हैं कि भाई मीत ने अपना ढांचा खुद गढ़ लिया हो तो आपको क्या एतराज हो सकता है। एक बात है जो अपना कहने का ढंग ढूंढ लेती है और वो ढंग बाद में वाजे हो जाता है लोगों तक। मैं माइकोवस्की की बात करूंगा कि कविता लिखने का कोई नियम नहीं होता, लोग लिखते जाते हैं और नियम बनता चला जाता है। लोग लिखते जाते हैं और कविता लिखने के नियम कानून कायदे बनते जाते हैं। मीत ने लिखा और मीत ने एक नए बात करने का नया तरीका हमारे सामने दिया।
आप खफा है क्यों? यू आर ए विक्टिम ऑफ द रेटोरिक सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. यू शुड नॉट बी लाइक दैट. आप रेटोरिक सिस्टम से बाहर निकले. एक वकील, डॉक्टर साहब आई एम फिनिशिंग इन टू मिनट्स प्लीज. आदरणीय मेघ साहब, 3.5 मिनट में खत्म कर दूंगा. और मैं जानता हूं कि मेघ साहब की जो जो तकलीफ है वो मैं होता तो उनसे पहले चिल्ला उठता शायद. उनमें धैर्य मुझसे बहुत ज्यादा है. इसलिए वे लोग जो बहुत चिल्ला कर कहते हैं कि गोया कहानी को कहानी होना चाहिए, उपन्यास को उपन्यास होना चाहिए, कविता को कविता होना चाहिए, तो मैं पूछता हूं फिर क्या होना चाहिए? अगर जे उस आदमी को इस पूरे टेक्स्ट में से निकाल दिया जाए जो हमारे बीच गली में से 1,00,000 रुपया देकर पुलिस विभाग में गया है अपनी जमीन बेचकर, और वो हमारी गली का लड़का है जो धीरे धीरे डिपार्टमेंट में जाते रोबोट बनता है और अपनी तमाम संवेदनशीलता को मारने के बाद अपनी जिंदगी का एकमात्र जरिया समझता है स्टेट को सर्व करने. और स्टेट को सर्व करने का मतलब है मासेस को एक्सप्लॉइट करने में, स्टेट की फंक्शनेबिलिटी में फिट हो जाना. एंड दैट इज हैपेंड इट. इसलिए हर एक तीसरे जुमले में मीत लिखता है कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं मजबूर हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं मजबूर हूं, मैं क्या कर सकता हूं. इसका मतलब यह हुआ कि आप खुद सोचने की क्षमता लगभग खत्म कर चुके हैं. मुझे एक और उपन्यास याद आती है. उस उपन्यास का नाम है स्पार्टकस, हैव इट फास्ट. स्पार्टकस ईसा के पहले के दौर में लिखा गया, 75 साल पहले के दौर पर. गुलाम रिवोल्ट कर देता है रोमन एम्पायर के खिलाफ और रोमन एम्पायर में जबरदस्त खलबली मच जाती है. अब क्या करें, आपकी रिपब्लिक ढहने वाली है. और फाइनली वो मोनार्की शुरू हो जाती है. और मोनार्की नहीं है तो स्टेट बच नहीं सकती. इसलिए वो लोग बहुत रिपब्लिकन थे, उन्होंने कह दिया कि मोनार्की हम एक्सेप्ट करते हैं, स्पार्टकस को एलिमिनेट कर दो. एंड दे फाइनल दे डिड इट नॉट दैट. इसलिए कुछ तकरीरों में ये भी आया कि कुछ इंकलाब की बात है. और मैं पुरी साहब से बहुत ही खुश हूं कि ये उपन्यास ऐसी कोई बातें बातें नहीं करता है. ये एक बहुत सादा नरेशन है क्योंकि हमको सादगी से पढ़ने की आदत छूट चुकी है. हम एकेडमिया के लोग सादी चीजें पढ़ना पसंद नहीं करते. इतना सादा नरेशन है. एक लड़के का अगवा करते हैं, मर्डर कर दिया जाता है, पुलिस को बताना पड़ता है, दबाव है. लेकिन किस तरह पूरी मशीनरी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट आई हुई, इनर पेनिट्रेटेड है. और हमारा मसला है कि इनर पेनिट्रेशन के स्टेट के सिस्टम को समझना हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि स्टेट को होलिस्टिक वे या पूरी तरीके से काम करने के मेथोडोलॉजी को समझना बहुत मुश्किल है. अगर कोई चाहिए कहे कि पुलिस स्टेट को बचाती है, ये भी गलत है. अगर कोई कहे कि न्याय व्यवस्था स्टेट को बचाती है, ये भी गलत है. कोई ये कहे कि सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम स्टेट को बचाता है, ये भी गलत है. ऐसा नहीं. अगर आप हिंदू पॉलिटी भी पढ़ लें जयसवाल की, तो चीजें साफ समझ में आ जाएगी. कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़े तो समझ में आ जाएगी. सिर्फ स्टेट को बचाता है एक फॉल्स कॉन्शियसनेस जिसको प्रिवेल करने के लिए स्टेट 100 में से 80 रुपए खर्च करती है. 100 में से 80 रुपए खर्च करती है फॉल्स कॉन्शियसनेस को बचाने के लिए. सुबह से शुरू होते हैं हमारे मीडिया और वो लगातार फॉल्स कॉन्शियसनेस को रियल कॉन्शियसनेस की तरह बयान करने के लिए जिस मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं. और इसमें बहुत अच्छी बात किसी साथी ने कही है कि कोई भी शाहित्य राय साहब ने कही है कि कोई भी कोर्ट में गीता पर या धर्म की कसम खाकर सच नहीं बोलता. फिर भी स्टेट ऐसा क्यों करती है? ये एक फॉल्स कॉन्शियस को बचाने का है. बात के अंतिम में मैं एक स्टेटमेंट पढ़ के खत्म करूंगा. एक किताब ये लिखी है, द ह्यूमन एसेंस बाय जॉर्ज थॉमसन. और ये बहुत अहम किताब है, इसको पढ़ना चाहिए. और वो कहता है कि द रियल इज अगली एंड ब्यूटीफुल इज अनरियल. हाउ टू रिजॉल्व द कॉन्ट्रडिक्शन, इट इज द ड्यूटी ऑफ एन राइटर. जो रियल है वो अगली है और जो अनरियल है वो ब्यूटीफुल है. एक राइटर के लिए बुनियादी शर्त है कि वो इसके बीच के अंतर विरोधों को सॉल्व करे. और वो जब तक अंतर विरोधों को सॉल्व नहीं करेगा, जब तक कि वो इल्यूजन को एज एन इल्यूजन
समझेगा नहीं। इल्यूजन एज एन इल्यूजन। मीत ने एक बढ़िया काम किया। मीत अपने टेक्स्ट रेंडर में कहता है कि दिस इज एन इल्यूजन एंड वी शुड एक्सेप्ट एज एन इल्यूजन, और तब वो इंटरप्रेट करता है मीत। आई विल गिव दिस सम पैराग्राफ हियर। इस पूरी ट्रायलॉजी की खूबी यह है कि मीत कॉन्स्टेंटली इल्यूजन से डिसइल्यूजन होता है, कहता है कि दिस इज एन इल्यूजन, दिस इज एन इल्यूजन, दिस इज एन इल्यूजन, दिस इज एन इल्यूजन। अगर जो वो इल्यूजन नहीं है, और एक एग्जांपल दीजिए मीता का, वन ऑफ द ब्रिलियंट कैरेक्टर इन होल ऑफ द नॉवल, वो जानता है कि ऐसे मौकों पर हमारी तलाश होगी और वो रेजिस्ट नहीं करता। हर कैरेक्टर जानता है कि ऐसे मौकों पर हमारी तलाश होगी और वो रेजिस्ट नहीं करता। पूरे नॉवल में यह है कि जो आदमी समझता है कि अब मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, वो रेजिस्ट नहीं करता, और रेजिस्ट नहीं करने के सोशल रीजनिंग भी दिए गए। इसलिए कंक्लूडिंग स्टेटमेंट यह है कि अगर चे इस तरह का टैक्स हमारे सामने आता है, तो एक तो वो हमारे सोचने की दिशा को, जो अब तक की आदत है, उन्हें तोड़ देता है। और पिकासो के एक मिसाल के साथ ही खत्म कर दूंगा बात। पिकासो ने अपने स्टूडियो के सामने एक बड़ी सी तस्वीर लगाई, उसमें दो चेहरे थे, दो आदमी, एक पतला सा आदमी और बहुत बड़ा सर, एक बहुत मोटा आदमी और एक छोटा सा सर। नीचे लिखा था कि इस पर अपना कमेंट करो। बहुत लोग निकले, किसी ने कमेंट नहीं किया। एक कमेंट था कि जो बहुत पतला, बहुत अच्छी तरह से सोचता है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है, और जो बहुत खाता है वो ठीक से सोचता नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी।